सुनीता जी, मैं बहुत खुश हूं कि भारतीय वायुसेना जिस तरह से इस मुसीबत में भी देश के काम आ रही है, वो मेरे लिए पर एक बहुत गर्व का विषय है। जहां तक रहा सवाल केंद्र सरकार का, तो आपको याद होगा पिछले साल जब 1897 के जो एपिडेमिक एक्ट के ऊपर जो नया रूल बनाया गया था, उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक तरह से शक्तियों से हीन कर दिया था और अपनी तरफ से 900 के करीब, 987 के करीब उन्होंने ऑर्डर निकाले थे कि भाई इन्हीं को पालन करते हुए हमें कोविड खत्म करना है। पर आप देखिए, जिस तरह से मैं केंद्र सरकार को पाती हूँ कि प्रचार बहुत ज्यादा है, लेकिन जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिस सर्विस से आती हूँ वहां हमने सीखा है ये कि हम सत्ता का केंद्रीकरण नहीं करते, हम लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांट देते हैं। उससे होता ये है कि काम जो है वो बंट के और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के या उस ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में होता है। यहाँ पहले पीएम केयर से कहा गया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे 165-133 ही लग सके, जो वेंटिलेटर्स कहने को खरीदने को कहा गया था 50,000 नहीं खरीद, क्योंकि क्या होता है कि केंद्र सरकार फोकस नहीं कर पा रही, या कोई कोई राज्य सरकार भी ऐसी है जो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, और उनको चौतरफा जरूर देखना होता है, लेकिन जहां फोकस होना चाहिए वहां फोकस से नहीं हटना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण करने से वैक्सीन भी नीचे ढीली हो जाती है लगने में, और बाकी चीजें भी जो हमें करना है उस सब में हम ढीले पड़ जाते हैं। तो राज्यों के हाथ में उनकी शक्ति पहले से देनी चाहिए थे, खैर अभी दी है, लेकिन अब उसका परिणाम आते आते वक्त लगेगा और हम सब देखेंगे कि कुछ समय के बाद, जैसे ही जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा था उस पर चूंकि सरकार अमल करने लगी है, तो उसके कारण हम वैक्सीन को बढ़ता देखेंगे, तब जाके हम इस बीमारी पर काबू पा सकेंगे, ये मेरा कहना है। लेकिन लेकिन आप